हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो यहाँ पे जितने भी इंजीनियर्स हैं उनके लिए एक रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है, चाहे वो आईटीआई करे हों या फिर पॉलीटेक्निक करे हों या फिर बीई बीटेक करे हों। ठीक है, बीई बीटेक जितने भी इंजीनियर्स हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। टोटल 740 पोस्ट हैं यहाँ पे। और ये किसकी तरफ से है? तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। लेकिन आपको अगर इसको देखना है, इसके रूल को, तो आपको नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स करके सर्च करना होगा। इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके मेन पेज पर ही, होम पेज पर, आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसको व्यू एंड डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो जैसे इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं तो ये हमको यहाँ पे जितना सारा रूल है वो खुल के आ जाएगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो भी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग रूल है, अगर हम बात करें तो देखिए ये 2/6/2023 का ही रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया हुआ है। और काफ़ी सारे यहाँ पे पोस्ट हैं आपको देखने को मिल जाएंगे टीचर्स रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे जो अपने मतलब की चीज़ है, जो हम जानना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। ठीक है, यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर में। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपको, आप नीचे चले आइए, लगभग 35वें या 36वें पेज पर है ये। ठीक है, 35 पेज, हाँ ठीक है, तो 35th वाले पेज पर आपको देखने को मिलेगा ये। यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर इन EMRS। तो यहाँ पे देखिए जो पोस्ट का नाम है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, मतलब आप इलेक्ट्रीशियन और साथ ही साथ प्लम्बर दोनों में यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। 1 per EMRS है। ठीक है, मतलब कि आपका ये 700 टोटल 40 जगह पे है, तो एक जगह पर एक पोस्ट यहाँ पे है। टोटल यहाँ पे 740 है। और सबसे अच्छी बात की है, ग्रुप सी लेवल की है। ठीक है, ग्रुप सी लेवल का मतलब कि अच्छा है। और 19,900 से 63,200 तक यहाँ पे इसका सैलरी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर हम बात करें तो एज लिमिट की बात करें तो काफ़ी राहत है यहाँ पे, जो कि अप टू 45 ईयर्स है। तो जो ओवर एज हो रहे हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो उनके लिए तो एक प्लस पॉइंट है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे, जो मेन मुद्दा है जो आप जानना चाहते हो यहाँ पे, जो एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स है उसके बारे में, तो सबसे जो पहली बात है, जितने भी ITI के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये तो कन्फर्म है कि वो 10th के बाद ही ITI करे होंगे, तो 10th पास होने चाहिए प्लस ITI सर्टिफिकेट। तो जो ITI वाले हैं उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। उनका अगर इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन दोनों में से कोई एक ट्रेड है तो वो तो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि क्या जो पॉलीटेक्निक सर्टिफिकेट यहाँ पे बोला है, और बोला है, इसका मतलब जिनके पास पॉलीटेक्निक सर्टिफिकेट है या फिर हायर डिग्री इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन आर वायरमैन है, इन दोनों में से बोल रहा है कि या तो पॉलीटेक्निक या तो हायर डिग्री आपके पास है, बट इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन आर वायरमैन, यहाँ पे कह करके आपको कन्फ्यूज़ कर दे रहा है कि अगर आप बात करो जो भी स्टूडेंट पॉलीटेक्निक करे हैं, क्या उनमें कोई भी इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन का नाम का कोई ट्रेड होता है, या फिर जो हायर डिग्री, मतलब बी बीटेक में आपने कभी इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन नाम का ट्रेड सुना है? ऐसा तो है ही नहीं। फिर यहाँ पे इनको देने का मतलब क्या है कि इन्होंने बोल दिया इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन। हर एक एग्ज़ाम में ये देखा जा रहा है कि ये कोई ना कोई चीज़ बोल करके कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि यह फॉर्म भरने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने दिया है और यहाँ पे किया है पॉलीटेक्निक सर्टिफिकेट, तो इसमें इस नाम से तो कोई ट्रेड नहीं होता है। अगर इन्होंने दिया है पॉलीटेक्निक सर्टिफिकेट है या फिर हायर डिग्री, तो जिनके पास भी इलेक्ट्रिकल EE या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, EC, जो EE या फिर EC के स्टूडेंट हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, अभी तक जो भी दिख रहा है। ठीक है, अदरवाइज़ मैं तो ये कहूँगा कि अभी इसके ऑनलाइन फॉर्म जो फिलअप होगा, ठीक है, उसका आप लोग वेट करिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको फॉर्म में सीधा सीधा दिख जाएगा। जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको चूज़ करने के लिए आएगा कि आपके पास कौन सी डिग्री है, ITI की है, पॉलीटेक्निक की है या फिर हायर डिग्री की। तो अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो आप हायर डिग्री चूज़ करिए या फिर पॉलीटेक्निक चूज़ करिए, वहाँ पर आपको ट्रेड देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि कुछ इंस्टीट्यूट आए और बोल दे कि नहीं नहीं आप लोग एलिजिबल हो, BE BTEC वाले एलिजिबल हो, पॉलीटेक्निक वाले एलिजिबल हो, अपना कोर्स वोर्स लगेंगे बेचने। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, करना ही क्या है, अभी जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस पर फोकस करिए। जैसे ही ये ऑनलाइन फॉर्म इसका फिलअप होने लगेगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप लोग एलिजिबल हो कि नहीं, जो हायर डिग्री वाले हैं, ठीक है, और जो पॉलीटेक्निक वाले हैं। लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि अगर इसने ऐसा लिखा है ITI के बाद, अगर ना उनको करना होता एलिजिबल पॉलीटेक्निक या हायर डिग्री वालों को, तो ये लिखते ही नहीं, क्योंकि हायर डिग्री या फिर पॉलीटेक्निक में ऐसा होता ही नहीं है कि कोई इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन नाम का कोई ट्रेड होता हो। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। तो लिखने का साफ साफ मतलब है कि आप लोग एलिजिबल हो। तो अभी तो कुछ देर के लिए आप लोग थोड़ा खुश रहिए, बट अभी जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो फिलहाल में, उसकी प्रिपरेशन जारी रखिए और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने का वेट करिए। ठीक है, जैसे ही ये फॉर्म आएगा और वहाँ पे आपको तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा कि क्या आप लोग एलिजिबल हो या नहीं हो, राइट। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब एक ही एग्ज़ाम होगा और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ कोई बात ही नहीं है। तो काफ़ी मतलब अच्छा रिक्रूटमेंट है,
अगर आप लोग एलिजिबल है तो आप लोग जरूर इस फॉर्म को भरना, राइट। अभी बाकी सारी जानकारियाँ जो सिलेबस से रिगार्डिंग है वो सब भी आ जाने दीजिए, तो बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या आप लोग एलिजिबल हो या नहीं हो। बाकी ITI वाले तो मौज करें, राइट। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।